राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एमजी रोड से मौदाहापारा को जोड़ने वाले चार मार्गों को वन वे मार्ग घोषित कर दिया है। एसएसपी के प्रतिवेदन पर उक्त निर्णय लिया गया है। इसे एक महीने तक प्रायोगिक तौर पर देखने को किया गया है, इसके बाद इसे पुख्ता स्वरूप भी दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी के ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग के तौर पर एमजी रोड और केके रोड से मौदाहापारा को जोड़ने वाली इन चार बायपास सड़कों को प्रयोग के तौर पर वन वे कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस के अफसर इन सड़कों को वन वे करने के बाद लोगों और ट्रैफिक पर असर देखना चाहते थे। इस वजह से शुरुआती एक महीने के लिए इन सड़कों को वन वे किया गया था। एक महीने का प्रयोग सफल रहा, इस वजह से अब एक महीने के लिए प्रयोग और किया जाएगा, उसके बाद इन्हें स्थायी रूप से वन वे करने का फैसला किया जाएगा। नए निर्माण के बाद सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक चारों सड़कें वन वे रहेंगी। आदेश के अनुसार केके रोड से एमजी रोड जाने वाले गली नंबर 1 और 3, वही मौदाहापारा से जयस्तंभ चौक जाने वाले गली नंबर 2 और 4 को वन वे बनाया गया है। सड़कों के दोनों ओर लोगों की जानकारी के लिए वन वे का संकेतक बोर्ड भी लगा दिया गया है, जिससे सड़कों पर चलने वालों को जानकारी मिल सके। साथ ही दोनों तरफ दुकानों के सामने लगने वाली गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह भी छोड़ी गई है। इन सड़कों पर केवल दोपहिया वाहनों को ही खड़े होने दिया जाएगा। 3 और 4 पहिया वाहनों की पार्किंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। हमारी टीम ने कुछ राहगीरों से चर्चा की तो किसी ने इस व्यवस्था को सराहा तो किसी ने आलोचना भी की। अब मेन सिटी में तो ट्रायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इतना ज़्यादा है कि ट्रायल का तो बनता नहीं है। कि पहले जन जागरण करना चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए सब चीज़ें। तो अभी तो पब्लिक को मालूम नहीं है, घुस जाएंगे तो वन वे का फिर आपको चार्ज ले लेंगे, है ना, कहीं भी ट्रैफिक वाला कर लेंगे। तो ऐसा होता नहीं, पहले जन जागरण करना चाहिए, उसके बाद आगे करना चाहिए, जिसमें पब्लिक को परेशानी मत हो। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, बहुत पहले कर देना चाहिए था इनको ये काम। धीरे धीरे मानने लगेंगे लोग, धीरे धीरे मानने लगेंगे। अब कुछ भी चीज़ नहीं आती तो शुरू शुरू में पटा लगता ही है सबको, धीरे सब चीज़ ठीक होगा। भाई ये ट्रायल ले रहे हैं तो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन पब्लिक को समझना पड़ेगा कि हमको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से आना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को समझने में, बाकी ठीक है, धीरे धीरे आएगा जैसा भी है। इसके लिए तो भैया सिक्योरिटी गार्ड जैसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा भैया। हाँ, सिक्योरिटी गार्ड जो ट्रैफिक के माध्यम के हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। एक पुलिस का सर ऐसा है कि अब वो ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी वहाँ देते हैं, अब यहाँ पर एक हाथ कोई अगर लगे तो फिर हो सकता है उसमें कुछ फर्क पड़े। तो ट्रायल के लिए, लेकिन ट्रायल के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये तो हमने ट्रायल के रखा है, सिक्योरिटी को ट्रायल के रखा हुआ है, लेकिन अगर ट्रैफिक वाले अगर वेलकम है तो कर सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधीन निजी सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं, जो वाहन चालकों को नियमों का पालन करवाते नजर आ रहे हैं। इन सुरक्षा गार्ड से हमने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि लोगों को समझाने में अभी काफी दिक्कतें आ रही है। कई वाहन चालक इन्हें गाली भी देकर चले जाते हैं, ये बेचारे देखते रह जाते हैं। बहुत ज्यादा कई जन गाड़ी ही नहीं रोकते हैं, जबरदस्ती करते हैं, गाली बक के निकल जाते हैं, आदेश का पालन नहीं करते, ता चुके हैं। बस वही बोलते हैं आप जोर जबरदस्ती मत करो, जो आदेश मानता है वो ठीक है, नहीं मान रहा तो जाने दो उनको, एक महीने के ट्रायल के लिए वन वे का। हमारी टीम ने शहर के एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर से इस संबंध में जानकारी ली तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्मार्ट होते शहर की यातायात को सुचारू बनाने यह एक कदम है, जिसे निगम और यातायात विभाग के पहल पर किया जा रहा है। इसमें नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा, इसको कुछ जो रोड हैं जिनको ट्रायल बेस पे वन वे किया गया है, जो कि काफ़ी व्यस्तम मार्ग है, जो कि केके रोड और एमजी रोड को जोड़ती है, उस पर अभी ट्रायल बेस पे वन वे किया गया है। और उसमें नगर निगम की तरफ से निजी सुरक्षा एजेंसी को काम दिया गया है, जो कि अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें निश्चित ही अपने जो ट्रैफिक के कांस्टेबल हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई जा रही है। और अभी लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उसके लिए भी पब्लिक सिटी किया गया है, उनको बताया जा रहा है। अगर कोई विवाद की स्थिति निर्मित होगी तो निश्चित ही जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए अब ट्रैफिक पुलिस ने इसे चार गली को, जो केके रोड और एमजी रोड को जो जोड़ता है, उसके चार गली को वन वे के लिए ट्रायल बेस पे काम शुरू कर दिया है। हालांकि जैसे कि हमने कई राहगीरों से भी बात की तो किसी ने इसे सही कहा तो किसी ने इसे गलत कहा, किसी ने इसे जन जागरूकता की कमी भी कही।
अब देखना होगा कि ये इस ट्रायल बेस को कहां तक सफल ट्रैफिक पुलिस कर पाती है। देश टीवी के लिए कैमरा पर्सन ऋषि नेताम के साथ स्वरूप भट्टाचार्य।